हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, रियलमी एक्स 3 26 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन रियलमी एक्स 2 का सक्सेसर होगा। रियलमी एक्स 3 में हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, रियलमी एक्स 3, एक्स 3 प्रो और एक्स 3 सुपर जूम। तो रियलमी एक्स 3 सुपर जूम ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो इंडिया में इस फोन में हमें क्या फीचर देखने को मिलेंगे और ये कितनी कीमत पर लॉन्च हो सकता है, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। रियलमी एक्स 3 सुपर जूम, तो दोस्तों जैसा कि नाम से कंफर्म हो गया है कि इस स्मार्टफोन में हमें जूम फीचर काफी जबरदस्त मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा की, जो कि इस फोन का सबसे मेन हाईलाइट है। रियलमी एक्स 3 सुपर जूम में हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का प्रीस्कोप लेंस दिया गया है जो कि सपोर्ट करेगा 60x जूम को, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। तो इस फोन से ली गई 10x से 60x की फोटो आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वैसे 60x जूम करने पर कैमरा इतना स्टेबल नहीं हो पाता, इसलिए इतनी आसानी से हर कोई 60x जूम फोटो नहीं ले सका। और अगर आप ये फोन ले लेते हैं तो कितने लोग हैं जो इस फीचर को यूज करने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। वैसे इसके रियर कैमरा से आप वीडियो स्टेबलाइजेशन, अल्ट्रा वाइड एंगल, 4K वीडियो, स्लो मोशन वीडियो जैसे सभी वीडियो आप बना सकते हैं। और इसके फ्रंट लेफ्ट साइड में पिल शेप में डुअल पंच होल कैमरा मिलते हैं, जिसमें कि 32 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा मिलता है और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। तो इसके फ्रंट कैमरा में भी वाइड एंगल, नाइट मोड और वीडियो स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इसका कैमरा एक जबरदस्त हाईलाइट फीचर होने वाला है। नेक्स्ट, इस फोन में हमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि 480 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है, और इसमें 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है। तो नीचे काफी कम चिन और बेजल्स देखने को हमें मिलते हैं, और वहीं इस फोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी मिल जाती है। हालांकि इसकी स्क्रीन में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस बार नहीं दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर को इसके पावर बटन पर साइड में माउंट किया गया है। वहीं इस फोन में डिजाइन भी सिमिलर और सभी रियलमी फोन जैसा ही मिल जाता है, बस इस बार इसके कैमरा में स्क्वायर शेप में येलो पट्टी दे दी गई है और इसके बैक में ग्लास बॉडी मिल जाती है। अब बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो ये फोन ग्लोबल मार्केट में स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है, बट वहीं इंडिया में शायद से ये फोन किसी और प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाए। तो अभी तक इसका प्रोसेसर कन्फर्म नहीं हुआ है, बट वहीं इंडिया में ये फोन 5G चिपसेट के साथ ही लॉन्च होगा। इसके अलावा इस फोन के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए इसमें 12GB LPDDR4X रैम विद 256GB UFS 3.0 स्टोरेज देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें 4200 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 30 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। इन सबके अलावा इस फोन की कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इसमें ड्यूअल सिम, ड्यूअल बैंड वाईफाई, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ 5.0, यूएसबी टाइप सी, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर विद डबल माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक और सभी तरीके के सेंसर इसमें दिए गए हैं। अब बात करें इस फोन के लॉन्च डेट और कीमत की, तो जैसा कि हमने बताया कि ये फोन इंडिया में 26 जून को लॉन्च होगा, और वहीं इस फोन की यूरोपियन मार्केट में 499 यूरो प्राइस रखी गई है जो कि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 41,000 तक बनती है। बट वहीं इस फोन के इंडिया में बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के साथ ये लॉन्च किया जाएगा। अभी तक रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फोन 30,000 तक लॉन्च होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।